कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप लोग का हमारे लाइव में। तो बताइए आप लोग कैसे हो। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने हमारी कॉल वाली वो लोग को बहुत प्यार दिया। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जिन्हें नहीं पता है मैं कहाँ से हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं उड़ीसा में अभी रहती हूँ। तो आप लोग को पता ही है जो हमारी किट्टू दीदी और अमित भाई को बेबी आई है, मतलब बेबी गर्ल आई है या बॉयज़, वो मैं अभी खुद कन्फ्यूज हूँ। हमारी किसी से ऐसा कुछ बात हुई नहीं है तो मैं खुद ही अभी कन्फ्यूज ही इस चीज़ के लिए। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं सियोर हूँ जो कि आप लोग से क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोग बने रहिए, पहले मैं उनकी बच्चे के लिए एक छोटा सा शोहर गाना गाना चाहती हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है? तो आप लोग बने रहो हमारे साथ। जुग जुग जिया तुललन मा भवन मा के भाग जागल हो ललना, दीदिया के भैले होड़िलवा बड़ा सुंदर हो, दादी सुहागिन बारा भागी नयन धन लुटावेली हो, उललना गोदिया में भैले होड़िलवा बड़ा सुंदर हो। तो उनकी भी दादी लुटा रही है अंधन। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको छोटा सा क्लिप कि सासू से आगे अंधन लुटा रही है इनकी। ऋषभ बुत तो ये अब अच्छा ये गोद में दादी है। हाँ अच्छा, लो थैंक यू। दो मेरा एक सीटर, एक। अब मैं वीडियो को बताती हूँ। जो बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे जो किट्टू दी को नॉर्मल बेबी हुआ या सीजर हुआ है, तो कुछ लोग लिख रहे थे नॉर्मल हुआ, कुछ लोग लिख रहे थे सीजर हुआ। तो मैं खुद ही सियोर नहीं थी, अब मैं सियोर हो चुकी हूँ। आप लोग के साथ एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, पहले तो आप उस क्लिप को देखो, फिर बताना आप मुझे जो आपको क्या लगता है सीजर है या नॉर्मल है। कि सासू से आगे अंधन लुटा रही है इनकी। अब मैं वीडियो को बताती हूँ। जो बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे जो किट्टू दी को नॉर्मल बेबी हुआ या सीजर हुआ है, तो कुछ लोग लिख रहे थे नॉर्मल हुआ, कुछ लोग लिख रहे थे सीजर हुआ। तो मैं खुद ही सियोर नहीं थी, अब मैं सियोर हो चुकी हूँ। आप लोग के साथ एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, पहले तो आप उस क्लिप को देखो, फिर बताना आप मुझे जो आपको क्या लगता है सीजर है या नॉर्मल है। तो देखिए गाइस, बहुत लोग का कंफ्यूजन था जो किट्टू को सीजर हुआ। जिसको सीजर हुआ ना, वो खड़ी नहीं होती है एक दिन में और ना ही चलती है। देखिए ये खड़ी हो रही है, जिसको सीजर होता है वो 24 घंटा से पहले खड़ी हो नहीं होती है, बैठती नहीं है, ठीक है? सीजर वाले ऐसे नहीं देखते इतने प्यार से। मुझे भी नॉर्मल हुई है, मुझे पता है। बुखार उखार ना था ना कुछ? खाएंगे खाएंगे। तो यहाँ पर अमित भाई क्या बोल रहे हैं? उठाइए खिलाइए घुमाए है, बाबू को दूध थोड़ी पिलाने का भी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको क्या लगा, सीजर वाले बेड से नहीं उठते ना, आप लोगों को पता है। वो दो दिन तीन दिन तक बेड में ही पड़े थे, लेकिन हमारी किट्टो दीदी उठी है, टहली है, जो कि अमित भैया बता रहे हैं। वो कुछ खाई भी है, टहले भी है। तो मैं इसकी हमारी किट्टो दीदी को नॉर्मल बेबी हुआ है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है जो उन्हें नॉर्मल बेबी हुआ। नॉर्मल होना बहुत बड़ी बात है भाई। सीजर होता है तो देह भी खराब हो जाते हैं और समझ सकते हैं क्या क्या परेशानी होता है अकेले रहना। और सीजर अगर भगवान की नहीं मर्जी होता है तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलो भगवान ने साथ दिया, उनकी किस्मत साथ दी तो उन्हें नॉर्मल बेबी हुई है। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लो, जो उन्हें नॉर्मल बेबी हुई है, ये कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ मैं, कन्फर्म के साथ कर रही हूँ और वीडियो प्रूफ दिखा ही दी हूँ आप लोग को, ठीक है? तो आप लोग को कैसा लगा आप बताइए। कितना मुझे तो सच पूछो तो सच्ची दिल से पूछो तो बहुत खुशी हो रही है। माँ बनना भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अब हमारे सारे यूट्यूबर भैया भाभी को हो गया है, यानी कि किट्टू जी को हो गया, रुद्र पूजा को हो गया, ये मिक्की सुमित को है कि नहीं पता नहीं मुझे, मिस्टू को हो गया है। अब एक सचिन मनीषा भैया जो है मेरे बिहार के, उनको बचा है। तो उनको भी भगवान जल्दी से उनकी गोदिया में लल्ला दे दे, क्योंकि वो अभी मनीषा दीदी पढ़ाई कर रही है, सानवी बाल में तेल लगा। मनीषा दीदी पढ़ाई कर रही है ना, मनीषा बहन हमारी, इसलिए नहीं हो रही उनकी बेबी। तो कोई नहीं जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग को भी शायद अच्छा ही लग रहा होगा। मुझे भी तो दो बेटियां हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ। बट हमारी सासू माँ को और हमारी मम्मा को इच्छा है जो एक और मुझे लड़का हो, लेकिन हमारी ऐसा कुछ इच्छा नहीं है। वो लोग तो बहुत सारे मन्नत मान दे दिए हैं,
बस मैं तो यही से बोलती हूँ, चलो जिसे आने रहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे नहीं आना रहता है उसे कोई बुला नहीं सकता। आगे मर्जी भगवान की देखूंगी, ईशान भी बाल नहीं खींच बेटा, आगे मर्जी देखूंगी, भगवान की जो मर्जी होगी वही होती है, हम लोग के चाहने से तो कुछ होता नहीं है। आप लोग को भी शायद पता ही होगा ये चीज़, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा हमारी सोच सही है या गलत है, कितने लोगों का कमेंट्स आता है हमारे पास, कैसे कैसे मैं देखती हूँ, तो कमेंट्स पढ़ना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जी, सच में दिल से अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर जी मुझे क्या करना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, ऐसे तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ना है, उनको नहीं चाहिए, बेबी गर्ल ही उन्हें बहुत पसंद है, बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी, दो बच्चे अभी के समय में काफ़ी हैं जी, आप लोग को भी पता है, एक को सर ये करना बहुत मुश्किल है, हमारे दो हो गए हैं, दो बेबी गर्ल है हमारी, बस क्या और बताऊँ ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगा जी, तो चलो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग हमें को कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को इंतज़ार करूँगी, और हमारी ब्लॉग रोज आती है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो लोग नए देखेंगे पहली बार देखेंगे वो लोग मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है जी, थैंक यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।